हेलो भाई, मैं पवार। आज यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है भाई फोर्स की गुरखा 2023 मॉडल है ये। अभी कंपैरिजन थोड़ा सा लिटिल कर लेता हूँ आप सभी के सामने। देखो भाई, यहाँ पे ये स्कॉर्पियो एन अपनी बराबर एक तरीके से खड़ी हुई है एकदम प्रॉपर स्लोप पे, लेकिन ये मैंने नीचे खड़ी कर रखी है। जब भी भाई इसको बिग डैडी नाम कह के पुकारते हैं, ये गुरखा इससे स्टिल कितनी ऊँची है आप थोड़ा सा आइडिया यहाँ से लगा सकते हो भाई इसके फुटस्टेप से, जबकि ये नीचे खड़ी है। आप ध्यान से देखिए, शायद कैमरे में आपको नहीं समझ रहा होगा। ये देखो आप कितना फर्क आ रहा है भाई। और ये इसके रूफ कैरियर की वजह से इतनी ऊंची बन रही है ना भाई। 2023 वाली फोर्स गुरखा है तो रियलिटी में बहुत ही बड़ी। अगर आप ऐसे ऊंचाई की बात करते हो, वैसे कहते हैं कि सेगमेंट में ना टर्निंग रेडियस बहुत कम है, 5.6 mm के लगभग ये गाड़ी मुड़ जाती है, ऐसा फोर्स वालों का कहना है। अभी इस गाड़ी के अंदर भाई 15,10,000 रुपये इसकी एक्सशोरूम कीमत है गाड़ी की। उसके बाद आपको RTO इंश्योरेंस और ये TCS वगैरह पे करना पड़ता है, तो आपको 18-19 के लगभग स्टेट टू स्टेट वेरी करती है आपको इतनी गाड़ी पड़ जाती है। और फिर इसमें ज़्यादातर तो जो आप लगा हुआ देख रहे हो, विंडशील्ड बार हो गया, अलॉय व्हील हो गया, रूफ कैरियर हो गया, ये सब आपको पार्ट मिलता है आपकी एक्सेसरीज़ का। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं 20 लाख के नीचे एक प्रॉपर 4x4 ऑफ रोडर, तो आपको उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, उसलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बिग डैडी मैंने रेफरेंस में यहाँ पे खड़ी कर रखी है भाई साइड में, कि भाई कितनी ऊंची गाड़ी है, कितनी बड़ी गाड़ी है इसके भी सामने, क्योंकि इस गाड़ी को इंडिविजुअली हम देखते हैं तो भाई बहुत बड़ी लगती है रोड पे, एकदम फॉर्चुनर जैसी इसकी फील आती है। लेकिन आप 18-19 लाख रुपए में एक ऐसी फील ले सकते थे बड़ी गाड़ी की, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये फोर्स गुरखा भाई सामने से बिल्कुल जी वैगन सी लगती है, प्लस ये हमारे पास ब्लैक कलर में अवेलेबल है आज यहाँ पे। तो गुरखा इस तरीके से यहाँ पे ग्रिल पे इसकी पे लिखा जाता है इस तरीके का, इसका बढ़िया सा भाई बोनट दिखता है। यहाँ पे जो इन्होंने लाइट लगा रखी है ना, ये भी बढ़िया सी लगती है, और ये ऐसे जल सकती है क्योंकि इसकी जो की है ना, यहाँ पे अपने को 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, और इस वाले बटन को दबाते हैं तो ये जो इसके इंडिकेटर्स हैं ब्लिंक करने लग जाते हैं। और यहाँ पे इसके जो हेडलाइट्स है ना, ये भी बड़ी प्यारी है भाई। देखो सामने से तो फोर्स वालों ने बढ़िया काम कर रखा है, और यहाँ पे कॉर्निंग फॉग लैंप भी अपने को इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं भाई, ये छोटी छोटी चीजों को भी ना बहुत ऐसा वेबसाइट ब्रोशर इन पे फीचर्स की तरह लिखते हैं, जैसे कॉर्निंग फॉग लैंप्स आजकल इतने आम हो गए हैं, आपको हर गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि इसकी कॉम्पिटेटर थार में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, थार से बेटर लाइट इसके अंदर आती है, थार से बेटर ये मिलता है, थार से बेटर इसकी भाई मेटल बॉडी है, और आप जब इसको दबाओगे, प्रेस करोगे, बोनट को उठाओगे, वो चीज़ आपको तब फील होती है। अभी देखो फोर्स के शोरूम वोरूम में जब हम जाते हैं ना भाई, वो लोग बिल्कुल वीडियो बनाने नहीं देते यार, बिल्कुल, मतलब एक तो ये बिल्कुल ही मार्केटिंग नहीं करते। आप कहीं इनकी गाड़ी की एड नहीं देखोगे भाई इस देश दुनिया में, वो तो हम जैसे कोई 2-4 अगर अच्छे यूट्यूबर हैं नेक दिल के तो वो बना देते हैं, वरना तो भाई मतलब फोर्स वाले खुद से तो बनाने ही नहीं देते। उनके शोरूम में जाओगे ऐसे भाव खाते हैं जैसे उनकी गाड़ी पता नहीं कितनी ज़्यादा बिक्री हो, कि ना ना भाई हम ना बनाने देंगे वीडियो। उनको पता है भाई अगर एक आध कोई खरीद लेता है हमारी गाड़ी को, तो अगर कोई लोग सच्चाई बोल देगा तो क्या पता वो भी ना खरीदे, तो उनको शायद इस बात का डर है। लेकिन मेरे को जो लगता है मार्केटिंग हर चीज़ की जरूरी है। अगर इतनी अच्छी गाड़ी भाई, बहुत सही गाड़ी है, अगर अपने आप में इसको सोचो फीचर्स वाइज, इसका मैकेनिकली देखो तो बहुत बढ़िया सेट जमता है। और ये जो आप अलॉय व्हील्स वगैरह देखते हो ना, इनकी भी मैं तारीफ कैसे करूँ, क्योंकि ये भाई एक्सेसरी का पार्ट है, तो ये आपको एज एन एक्सेसरी कंपनी से लेने पड़ते हैं, आपको ये वैसे नहीं मिलते हैं। R16 के अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे भाई ये एक्सेसरी में, वैसे आपको पीछे से स्टील रिम मिलते हैं। इसका स्नॉर्कल हो गया, जो इसको बनाता है एक ऐसी गाड़ी जो आप इसको पानी में भी डुबा दो, बस इसका जो हद तक है ना, ये वाला सिस्टम थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए, जहाँ से हवा खींच सके, थोड़ी ऑक्सीजन ले सके, वहाँ से जिंदा रह जाएगी गाड़ी। तो ये थोड़ी सी अच्छी कैपेसिटी है, 4x4x4 चार पहिए हो गए, 4 ये मतलब वो चल जाएगी, 4x4 तो नॉर्मल गाड़ी होती है, ये वही हो गया भाई माउंटेन रेगिस्तान और ये तो वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो मैंने 2022 वाले आपको गुरखा दिखाई थी। लेकिन आज हम 23 BS6 वाली की बात कर रहे हैं। तो फोर्स लिखा गया है, साइड पीछे साइड भी आपको एक स्पेयर भी मिल जाता है, यहाँ पे चढ़ने के लिए लैडर वगैरह का इस्तेमाल दिया गया है, ताकि वोर वगैरह करने को कल का मूड बन जाए या कहीं फंस जाए तो इसको आप आराम से यहाँ पे अपनी गाड़ी में इसको वो चैन वैन से अड़ जा सकते हो, इनकी तरह आपको वो कसना नहीं पड़ेगा भाई। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर वगैरह मिल जाएंगे, कैमरा वैमरा सब कुछ आफ्टर मार्केट है। जो भी फैंसी फीचर्स 2023 में आपको गाड़ियों में ऐसे लगते हैं कि ये तो बेस मॉडल में आ रहे हैं, वो इस गाड़ी में एज एन एक्सेसरी आते हैं। इवन कंपनी की वेबसाइट पे इसके जो वाइपर्स हैं, कॉर्निंग फॉग लैंप्स चलो छोड़ो भाई, वाइपर भी ऐसा फीचर इन लोगों ने लिख रखे हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, ये सब आपको ऐसा फीचर इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए अपने मिल जाते हैं। अब मैं पीछे से दिखाऊँ आपको एन के साथ कंपेरिजन भाई, ये देख लो आप कितनी ऊँची है, आप इस साइड लगा रहे हो, और फोर्स गुरखा थोड़ी सी ऐसा फील देते हैं भाई, थोड़ी डरा गैंगस्टर हो ना कोई तो वो ले ले भाई इसको, सही में अपने आप पब्लिक हटती चली जाएगी।
क्योंकि भाई बिग डैडी के सामने भी देखना कितनी बड़ी लग रही है यार, पीछे से तो फांसी काट दी इसने बिल्कुल ही। तो फोर्स वालों की भाई ट्रेवलर ज्यादा बिकती है, अर्बेनिया वगैरह जो आजकल नहीं आई, लेकिन बुरखा आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी अपने को पीछे साइड बाइक पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से जब आप इसको खोलते हो तो जो पीछे वाला वॉशर है ना, इसमें पीछे साइड वॉशर मिलता है, उसका पानी यहाँ से डाल सकते हो एकदम देसी तरीके से। इसका पूरा काम है तो इसको आप ढक दो। इसके आप ये देखोगे भाई किस तरीके से इसके लॉक अनलॉक वाले डंडे से मिलते हैं। यहाँ पे अपने को अनलॉक करने का सिस्टम मिलता है, यहाँ पे अपने को मिलता है इसका हैंडल। और अगर आपको पीछे साइड जाना है तो इसमें ये सहूलियत बहुत अच्छी मिल जाती है कि भाई इसके अंदर ना है तो थ्री डोर ही, लेकिन पीछे जाने का सिस्टम उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। प्लस केबिन स्पेस जो है ना वो भी बहुत बड़ा है, तो आप आराम से ग्रैब हैंडल पकड़ के गाड़ी के अंदर घुसोगे। उसके बाद आप सामान तो देख ही रहे हो कितना बिखरा हुआ है, आप आराम से इसके अंदर ऐसे ये जो है इसको आप ऐसे कर सकते हो, आराम से बैठिए इसके अंदर आराम से और ट्रेवल कर सकते हो बड़े प्यार से। ये देखिए इस तरीके से, हालांकि स्पेस विस्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पे अगर ये सीट पीछे साइड हो, लेकिन काम अपना अच्छा बन जाता है। बड़े बड़े अपने को एक ग्लास मिल जाते हैं, इनमें से अगर आपको भाई धूप वो करनी है ना तो फिर आपको ये इस तरीके से ये सब तीन तीन लगाने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से चार की भी जरूरत पड़ सकती है, तो काले शीशे से ये लोग करते हैं जो भी। तो ये बहुत बड़े हैं, अपना भिचम भिच्चा सा नहीं होता है, ट्रैवलर जैसी फील आपको जरूर से आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और ये फिट एंड फिनिश देख सकते हो। बस महिंद्रा ही ऐसे नहीं, महिंद्रा ही गंदी फिट एंड फिनिश देता है थारवार में। यहाँ पे गुरखा भी भाई पीछे नहीं है, तो ये थोड़े ढक्कन वक्कन से इसके छत के थोड़े से लूज से हैं, तो इनको हमको टाइट खुद ही करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ढक्कन अपने को देखने के लिए इसके मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने को मिल जाता है भाई एक वाइट लाइट दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सही है भाई, कपड़ा यूज नहीं किया गया, एकदम ऐसे हल्की सी नकली सी प्लास्टिक यहाँ पे फोर्स वालों ने लगा के दे रखी है। हालांकि सीट कवर वगैरह भी भाई इसमें ना वो है सेमी लेदराइट जैसे होते हैं, मतलब पीछे से आपको लेदर वाली फिनिश मिल रही है, आगे से तो है फैब्रिक के, क्योंकि थार में भी आपने देखा होगा ना तो साइड साइड से लेदर के हैं और अपना वैसे नॉर्मल फैब्रिक के, तो इसमें भी सेम वाला हाल है, सारे आपको ये लेदर के मिल रहे हैं और यहाँ पे गुरखा वगैरह लिखा गया है, ये सारे फैब्रिक के हैं। आपको शायद से बाद में अगर आप चाहो तो इनमें कंपनी पता क्या करती है यार, ऐसे सीट कवर देने के बाद ना तो इधर का छोड़ती ना इधर का छोड़ती। अब ये अगर पूरा का पूरा फैब्रिक का होता तो पूरी आदमी जो है अब वो करवा सकता है, लेदर की करवा सकता है, या फिर अगर पूरी पूरी लेदर की होती तो फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बीच में लटका देता है, लोग सोचते हैं कि अरे यार आधा तो हो ही रखा है, ऊपर से कंपनी का माल जब रहता है कोई भी चीज में तो फिर उसमें ज्यादा ट्रस्ट आता है, नॉर्मली सी बात है आफ्टर मार्केट वाले से। चलो एक बार बाहर उतरते हैं, यहाँ इसका स्पीकर वगैरह का सिस्टम मिलता है, दोनों साइड आप स्पीकर वगैरह अपने इसमें आराम से लगवा सकते हो भाई फोर्स की गुरखा में। और ये ऐसा कुछ खोलने वोलने का सिस्टम नहीं है, ये नॉर्मली ऐसे ही है, उतरना भी बेहद ही आसान है इसमें। और पीछे से लाइट्स वगैरह की बात करोगे तो भाई नॉर्मल अपने को वही जो बल्ब आते थे रेड और ये सब मिलता है इसमें देखने के लिए। यहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह दे रखे हैं और यहाँ पे स्टिकर वगैरह भी अच्छा, डोंट फॉलो मी यू वॉन्ट मेक इट, लेकिन भाई मतलब आराम से कर सकते हो इसको फॉलो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें 90 hours पावर की पावर आपको मिलती है और 0 to 100 भी बहुत टाइम में चढ़ती है भाई। करीबन मैंने इसका ड्राइव रिव्यू जब करा था 20 से 25 सेकंड इसने आराम से लिए थे। यहाँ पे गुरखा लिखा गया है। थोड़ा इंटीरियर की बात कर लेते हैं भाई, हाइट एडजस्टेबल सीट आपको इसके अंदर नहीं मिलती है, बस ये चढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसे जोर लगाना पड़ता है। ये देखो इस तरीके से, पहले मैं इसकी चाबी को ज़रा इसमें लगा देता हूँ। कोई फ्लिप की नहीं मिलेगी भाई 2023 में, कोई कुछ नहीं मिलेगा, बस आराम से ऐसे चाबी लगाओ और इसको आप ऐसे ऑन कर सकते हो इग्निशन पे। फिर इसको ये तो भाई एडजस्टेबल वैसे आगे पीछे हो जाते हैं, पर हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट आप इसको नहीं कर पाओगे भाई। इसका स्टेयरिंग व्हील कितना बड़ा है भाई, इसका स्टेयरिंग देख रहे हो आप कितना बड़ा। प्लस यहाँ पे इसके तीनों पैडल्स मिलते हैं, प्लस बहुत सॉफ्ट है इसकी, बहुत सॉफ्ट है और बहुत अंदर तक प्रेस करनी पड़ती है। एक गैर पैडल भी अपने यहाँ पे देखने को मिलता है, उसको स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। वैसे इसकी एक अच्छी चीज़ है भाई, माइनस टेम्परेचर को भी नहीं मानती है, इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि अपना माइनस में जैसे काजा वाजा जाते हैं -25-30 में भी आराम से स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि वहाँ पर थार थोड़ा सा हार मान जाती है अपना। इस तरीके का भाई अपना मीटर वगैरह मिलता है इसका, 5000 तक इसके अंदर मार्किंग है और यहाँ पे 180 तक इसकी वो है, लेकिन जाती 110 120 130 है और इसको मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि कोई लेके जाए। यहाँ पे इसके अंदर अपने को फ्यूल वगैरह का पता चलता है, अपने किलोमीटर चला लिया आपने वो सब है, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चेंज करनी है तो मोड वाला बटन दबाइए, ट्रिप ए ट्रिप बी और ये सब आपको डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगे भाई। बिल्कुल पता ऐसे लगता है जैसे ये तो ट्रैवलर का ही इन्होंने उठा के रख दिया हो पूरा स्टेयरिंग व्हील भाई। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे ना उनको ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी, उनको थोड़ा मज़ा देगी ये,
और आपको अगर स्टीरियो वगैरह के वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ानी है तो फिर आपको भाई यहीं से अपने हाथों के यूज करना पड़ेगा। ऐसे स्टीरियो भी भाई इस एज ना एक्सेसरी लेना पड़ता है फोर्ड से, तो ये टॉप वेरियंट एक ही वेरियंट आता है इसके अंदर 15,10,000 रुपये वाला, तो उसको आपको खुद इसके अंदर लगवाना पड़ेगा। तो आप अगर नहीं चाहते उनका लेना जिसमें एंड्रॉइड तो प्रकार भी आता है, तो आप ये बाहर से जो एंड्रॉइड वगैरह होते हैं ये भी आराम से लगवा सकते हैं। वो 7 इंच का देते हैं भाई कुल, तो आप ये अपने 10 इंच का वगैरह कुछ 9 इंच का जितना आपकी मर्जी वो आप करवा सकते हैं। इवेंट्स हो गए, एसी बढ़िया चलता है भाई इस गाड़ी के अंदर, ये अपना IRVM हो गया इस टाइप से। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कोई भी अपने को मिरर वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक मिरर ये भी बाहर से लगा रखा है, तो ज़्यादातर बाहर से काम होते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे अपने को लाइट मिलती है इसमें, पहले टाइम में जैसे मंदिर टाइम आया करता था 0-1-2 इस तरीके से, इसमें वो है कि आपको डोर पे चाहिए उस पर चाहिए। यहाँ पे आपको एक टाइप ये मिल जाएगा, 2 टाइप ए के पोर्ट, और एक पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 12 वोल्ट का सॉकेट जो आप अपना USB चार्ज वार्ज जिससे कर सकते हो। AC के कंट्रोल हो गए भाई, फैन स्पीड आपकी इस तरीके से बढ़ जाती है, और ये टेम्परेचर सेलेक्ट करने का हो गया, देसी सा काम है भाई टोटल एकदम ना। ये अपना देखना कूलिंग का हो गया, कितना टेम्परेचर आपको चाहिए। ये लाल रंग का 1000 लाइट ऑन करने का है, फॉग लैंप वगैरह का है, और ये अपना वॉशर वगैरह का आपको बटन मिल जाता है। यहाँ पे अपने को दोनों डिफरेंशियल लॉक मिल जाते हैं अलग अलग एक्सेल्स के लिए। यहाँ पे आपको ये मैनुअली सारा काम करना पड़ता है। ये देखिए प्रेस बटन एंड टर्न डिफरेंशियल लॉक रियर, इस तरीके से आप करते हो तो ये डिफरेंशियल लॉक आपका हो जाएगा, और ऑफ रोडिंग में फिर आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। 5 गियर इसके अंदर अपने को देखने को मिल जाते हैं, एक ही ट्रांसमिशन आता है भाई। नॉर्मली गाड़ियों में बुलेरो स्कॉर्पियो में पुराने टाइम की में क्या होता है कि ये अपना गियर नॉब हिलता है, लेकिन इसका ये नहीं हिलता भाई, ये बहुत स्मूथ है। लेकिन इसका ये जरूर हिलता है जो 4x4 का है ना, ये 4H न्यूट्रल 2H, अभी 2H पे गाड़ी इस तरीके से लगी हुई है। आपको ये और 4H वगैरह में इंगेज करनी है तो आपको इस आगे ले जाके और जो इन्होंने ये छाप रखा है इसे लेके जाना पड़ता है। प्रॉपर 4x4x4 ये व्हीकल है, दोनों पावर विंडो आगे की यहाँ से खुलती हैं और आप आराम से इस तरीके से आप खोल सकते हो। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे अपने को इसके अंदर हैंड ब्रेक मिलती है। गाड़ी में बंद कर देता हूँ भाई, हिलती नहीं है। अब जो इन्होंने BS6 नए वाले आए हैं ना यहाँ पे गुरखा BS जो ये वाली आई है, अब इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट कर दिया भाई, बहुत रिफाइनमेंट आई है गाड़ी के अंदर ना। और यहाँ पे अपने को एक ग्लव बॉक्स भी देखने मिल जाता है जिसमें अपना पेचकस वगैरह रख सकते हो, और ये भी इस गाड़ी में आपको थोड़ी हल्की हल्की सी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। और यहाँ पे कैसे काट रखा है भाई ये फोर्स वालों ने, पता नहीं भाई होगा कुछ सिस्टम। और यहाँ पे नीचे इस टाइप का सिस्टम है अपना। अब फीचर्स के मामले में भाई ऐसा कुछ एस सच आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस ऐसे ही है जो है। तो थोड़ा इंजन दिखा देता हूँ भाइयों को, थोड़ा सा इंजन। लेकिन उससे पहले एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, ये वाली देख रहे हो आप, ये भाई टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, जिसको आप यहाँ से इसकी जो इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, ये भी एक्सेसरी का ही पार्ट है। यहाँ पे अपने को टेम्परेचर हवा कितनी है क्या है, लेकिन ये काम नहीं करता भाई ढंग से कभी भी, इतने भी ओनर से मैं मिला हूँ ये वाला हाल है। बस थोड़ी डिटेलिंग दिखाऊं तो देख रहे हो ये किस टाइप से यहाँ पे ये रबड़ सी लगा रखी है गेट को खोलने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं मिलेगा, बोतल होल्डर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको बोतल वगैरह रखनी है तो सारी की सारी यहीं पर रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे आप सामने की तरफ कोई भी लेदर वेदर का काम एक्सपेक्ट इससे ना करें। यहाँ पे गुरखा के साथ भी चक्कू साहब इन लोगों ने छाप रखा है। और इसका बोनट खोलने का सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा है भाई, थोड़ा सा टक की आवाज आती है। आपको गुरखा का देखना हो तो FM 2.6 ये वाला इंजन है 2.6 लीटर्स का, जो कि अपने को उधर साइड भी जिसकी बैजिंग मिल जाती है। और भाई इसका ब्लैक कलर तो काफी अच्छा शाइन करता है, इवन मेरी शक्ल इसमें अच्छी तरीके से दिख रही है। भाई साहब कितना भारी भरकम बोनट हो तो ऐसा, वरना ना हो भाई, जितना वजन इन्होंने इसमें डाल रखा है बोनट में भाई, थोड़ा सा वजन इनको इंजन में भी डालना चाहिए था। कुल 90 हॉर्स पावर के साथ 250 Nm का टॉर्क निकालता है ये इंजन। थोड़ा सा भाई लिटिल लेजी सा फील होता है, लेकिन इस गाड़ी के हिसाब से शेप साइज एरोडायनेमिक्स वाली वो तो इसको बिल्कुल नहीं कह सकते, तो उस हिसाब से ठीक है भाई। ये पावर मतलब पावर को हाईलाइट नहीं करता अपनी साइट वगैरह पे ना, जब इसके ब्रोशर वगैरह आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कहीं पावर का वो जिक्र नहीं मिलता है। बस जो इसके फीचर्स है कि लेजेंडरी अपना जी वैगन से वो है, ये इंस्पायर्ड उसके जैसे लुक्स हैं वो सब ज़्यादा सिस्टम देखने मिलेगा। और इन्होंने इंसुलेशन भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का कर रखा है, एक एक यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ऐसे हर चीज़ की शेप लेके तब इसका काटा पीटी करके तब इन्होंने करा। भाई क्या फील है भाई बोनट में तो इतना वो ना मेटल बॉडी एकदम भारी भरकम एकदम तगड़ी वाली स्ट्रेंथ है, मतलब बॉडी में पूरी जान लगा रखा है। कल को कहीं अगर भगवान ना करे कहीं हिट होती है तो भाई बचा लेगी आराम से, इतनी भारी बॉडी है ना इसकी, पूरा लोहा ठूस रखा है। ये देखो ये तो वही है अपना प्लास्टिक का बम्पर अपने देखने मिलता है, ये तो मैंडेटरी करी रखा है वैसे ही, लेकिन ये पूरी मेटल बॉडी ऐसी तगड़ी बना रखी है ना भाई कि बढ़िया सिस्टम है एकदम आराम से। बिग डैडी और इसका कंपेरिजन करूँ क्या,
सही है, दोनों सेम सी लग रही है, अल्टी मेरे को इसकी हल्की लग रही है। हाँ चलो इस चीज़ पे तो काफ़ी अच्छा पैसा खर्च करा गया। बाकी भाई इसमें ये जो रूफ कैरियर वगैरह है ना, ये सब भाई आपका वैसा वाला सौदा है आफ्टर मार्केट, मतलब कंपनी लगा के देती है पर एज एन एक्सेसरी का पार्ट, तो वो वाला पूरा हिसाब किताब है। और जो इसकी सीडी वीडी है ये भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो ये पैकेज सा ही मिलता है जो आपको लेना ही पड़ता है और गुर्गा के साथ, वरना आपको वो लोग गाड़ी नहीं देते। हो क्या देते हैं भाई, तुम जाओ हम गाड़ी नहीं दे रहे। तो ये हिसाब किताब है भाई इसका, प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है गाड़ी। वैसे मेनली फीचर्स के लिए इसको ज़्यादा कोई लेता नहीं, लेकिन जो प्योर कट्टर ऑफ रोडर है वो इस गाड़ी की तरफ ज़रूर देखता है और वही इसको अपना बनाता है, क्योंकि उनको ऑफ रोडिंग का दिल से शौक होता है और मेनली ऑफ रोडिंग के लिए ही गाड़ी ली जाती है। ऊंची सी अपना मस्त है, बस ये थोड़ा सा ये वाला जो चीज़ें हैं ना इसमें, ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नीचे हैं, जो थोड़ा पत्थर वत्थर आ गया था और अगर उन पर हिट कर गई तो थोड़ी दिक्कत करेगी, वरना तो इसका ये भी काफ़ी ऊंचा है। जो ये रेडिएटर अपना ये है नीचे का प्रोटेक्टेड है ये भी लोहे के साथ। तो ये थी भाई फोर्स गुरखा, आपको कैसी लगी बिग डैडी के सामने, बिग डैडी की बिग डैडी है भाई ये बात हम जरूर कह सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।